हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी आई प्रीलिम्स। दिस इज लेक्चर 2 ऑफ मॉड्यूल 2। इस लेक्चर में हम सीमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से देखेंगे। देखिए, जो बिल्डिंग मटेरियल में आपको पढ़ना है उसमें दो मेन टॉपिक है, एक आपका जो सीमेंट है और दूसरा कंक्रीट है। तो ये आपका दो मेन टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पहले कवर करूंगा। इस लेक्चर में सीमेंट कवर करेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कंक्रीट का होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस लेक्चर में हम सीमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं सीमेंट क्या होता है। देखिए, सीमेंट बहुत ही फाइन मटेरियल होता है, ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसको ग्राइंडिंग करके बनाया जाता है। एडेजिव एंड कोएजिव प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण बाइंडिंग प्रोवाइड होता है। ये जो ऑप्टेन होता है वो कैलकेरियस और आर्जिलेसियस, जो कैलकेरियस का मतलब जो कैल्शियम प्रीडोमिनेंट होता है, आर्जिलेसियस में क्ले प्रीडोमिनेंट होता है, तो ये दोनों को मिक्सचर को बर्निंग करते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये टेम्परेचर रेंज कितना होता है, 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जब बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो उससे कुछ हमका प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको बोलते हैं क्लिंकर। ये लंप के फॉर्म होता है, तो ये इस प्रोडक्ट को हम क्लिंकर बोलते हैं। और इस क्लिंकर को हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कि इसको पाउडर फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, बहुत फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। तो उसका जो ग्राइंडिंग प्रोडक्ट होता है वो हमारा सीमेंट होता है। तो ये था हमारे थोड़ा सा सीमेंट के बारे में आइडिया। ये आपका टेम्परेचर याद रखेंगे, कभी कभी टेम्परेचर इसका पूछ देता है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका टेम्परेचर रेंज। दो प्रोसेस होता है सीमेंट बनाने के लिए, एक बोलते हैं ड्राई प्रोसेस और दूसरा होता है आपका वेट प्रोसेस। इसमें आपका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्या होता है, बस जान लीजिए एक ड्राई प्रोसेस होता है, एक वेट प्रोसेस होता है। तो आप इसमें आप ये चीज याद रखेंगे, टेम्परेचर याद रखेंगे, और जो कैल्शियम प्रोडक्ट होता है यानी कि जो बर्निंग करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसको क्लिंकर बोलते हैं, उस क्लिंकर को हम ग्राइंडिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करने के बाद हमारा जो सीमेंट का फॉर्मेशन होता है। देखिए, इसमें है आपका जो सीमेंट जो इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट का, उसमें क्या कंपोजिशन होता है किसका, वो उसके बारे में होता है। एक्चुअली सीमेंट दो होता है, दो टाइप का होता है, एक नेचुरल होता है, एक होता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल सीमेंट होता है जो आपका नेचुरली होता है उसको बोलते हैं रोमन, तो ये आप यूज नहीं करते हैं। और आर्टिफिशियल जो सीमेंट होता है जो आपका ओपीसी उसको बोलते हैं, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, नॉर्मली पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। जनरली हम सीमेंट बात करते हैं तो वो जनरली आपका ओपीसी ही होता है जब तक कि स्पेसिफाई नहीं किया गया है कौन सा सीमेंट है। तो ये जो कंपोजिशन है ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का होता है, तो ये आप याद रखेंगे। इसमें जो आपका दो मेन है लाइम होता है जो 62% के लगभग होता है, ये एक एवरेज वैल्यू है, इसका कुछ रेंज होता है, तो अप्रोक्स वैल्यू रखेंगे याद तो आपका काम चल जाएगा। सिल्का होता है ये जो 22% होता है, तो ये दोनों आपको वैल्यू रिमेम्बर करना है बस, बाकी ये सब के बारे में आपको याद नहीं करना है। जैसे आपका एल्यूमिना होता है, कैल्शियम होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है, सल्फर होता है, अल्कलीज होता है, तो ये सब आपको परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो पहले ये देख लेंगे लीसी अल्का इरमा सूल ना, इसको लीसी अल्का इरमा सूल है, तो इसमें लाइम सिलिका एल्यूमिना कैल्शियम सल्फेट आयरन मैग्नीशिया सल्फर अल्कली ये है, और इसका परसेंटेज क्या है आपका 60-20 ऐसे याद रख सकते हैं। सवित्री यानी कि 60 से सवित्री यानी 100 से 60 याद रख सकते हैं, 20 से 20 याद रख सकते हैं, ये दोनों आपको याद रखना है, बाकी 5, 4, 3, 2, 1, 1 उल्टा गिनती, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा, कभी कभी रेयर केस में ऐसा पूछता है लेकिन ये आपको याद रखेंगे, ये दो वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जो इंग्रेडिएंट यूज करते हैं उसका फंक्शन क्या है, तो हम फंक्शन के बारे में देखेंगे किसका क्या फंक्शन है। तो जो मेन आपका इंग्रेडिएंट था वो क्या था, लाइम था जो 60% के अप्रोक्स था, तो इसका क्या फंक्शन होता है, ये आपका जो इसका लाइम सफिशियंट क्वांटिटी हुआ तो ये आपका सिलिकेट और एल्यूमिनेट ऑफ कैल्शियम फॉर्म करता है, जो कि ये आपका सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है सीमेंट का, है वो ये लाइम प्रोवाइड करता है। अगर लाइम का डिफिशियंसी होगा तो ये स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा एंड ये सेट करेगा, क्विकली सेट करेगा सीमेंट। तो सीमेंट कैसे होता है, सीमेंट में जब वाटर ऐड करते हैं तो वो जम जाता है, सेट कर जाता है, तो सीमेंट के अंदर कुछ रिएक्शन होता है, तो वो जैसे ही वाटर ऐड करते हैं रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो सेट हो जाता है, जम जाता है, हार्ड होने लगता है। तो ये जो आपका जो हार्डिंग प्रोसेस है, जो सीमेंट का सेट होना प्रोसेस है, हम इसको कुछ डिले रखते हैं, ऐसा ना कि जैसे ही पानी डालें वो जम जाए तो फिर हम प्लेस नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे प्लेस करना है उससे पहले ही जमा हुआ रहेगा तो वो वेस्ट हो जाएगा, वो कोई यूज का नहीं रहेगा। तो इसलिए एक सफिशियंट टाइम होना चाहिए ताकि आप सीमेंट यहाँ इसको यहाँ पे कहीं प्लेस पर ले जाना है तो वो उस टाइम तक वो ऐसे रहे, उसके बाद वो अपना सेटिंग शुरू हो। और यहाँ पे देखेंगे एक्सेस लाइम मेक्स द सीमेंट अनसाउंड
एंड डिसइंटीग्रेट। ये अनसाउंड का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम होता है, इसमें आपका सीमेंट का जो वॉल्यूम चेंज होगा तो पहले वो स्वेलिंग होगा, फिर ड्राई होगा तो स्किंग कर जाएगा तो क्रैकिंग होगा, तो इसलिए ये सीमेंट को अनसाउंड बना देता है, वीक बना देता है। तो इसमें आप ये चीज याद रखेंगे, दो ही याद रखना है आपको हर चीज में, एक उसके डिफिशियंसी से क्या होता है और उसके एक्सेस से क्या होता है, उसका मेन फंक्शन क्या है। और नेक्स्ट है सिलिका। सिलिका क्या करता है, ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट को, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। अगर एक्सेस ऑफ सिलिका रहेगा तो ये क्या करता है, इंक्रीज होता है स्ट्रेंथ। सिलिका जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ करेगा, बट एट द सेम टाइम सेटिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग, मतलब सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं है, मतलब वो जल्दी सेट नहीं हो पाएगा, उसको सेट होने में टाइम लगेगा, तो इसको याद रखेंगे। एलुमिना, एलुमिना क्या है, देखिए ये क्या करता है, ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। अगर एलुमिना का क्वांटिटी ज्यादा होगा तो सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा। अगर सीमेंट को हमको प्रिवेंट करना है, जल्दी सेट नहीं होने देना है, तो उसमें एक क्वांटिटी मिलाते हैं जिप्सम। अगर एक्सेस ऑफ एलुमिना रहेगा तो वो क्या करता है, सीमेंट को वीक कर देता है। अब देखते हैं कैल्शियम सल्फेट के बारे में, ये क्या करता है, जो कैल्शियम सल्फेट है आपका जिप्सम के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और ये आपका स्लो डाउन या रिटार्ड द सेटिंग एक्शन, जो सेटिंग एक्शन है यानी कि सेटिंग में डिले करता है उसको। अब देखिए एक सेटिंग टाइम होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिटार्ड और यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है। अगर डिले होगा सीमेंट सेट करने में, धीरे धीरे सेट होगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो टाइम होगा सेटिंग वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यही फंक्शन होता है जिप्सम का। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब सीमेंट हम बनाते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम डालते हैं ताकि वो आपका जो सीमेंट का सेटिंग टाइम हो वो इंक्रीज कर जाए, क्योंकि वो नहीं तो अगर इसमें एलुमिना होता है जो आपका क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी होता है, फ्लैश सेट हो जाता है, तुरंत सेट हो जाता है, इसलिए वो हम जिप्सम क्वांटिटी ऐड करते हैं। आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया, ये जनरली आपका कलर प्रोवाइड करता है और उसमें हार्डनेस प्रोवाइड करता है। सल्फर, सल्फर क्या करता है, ये हेल्प करता है मेकिंग साउंड सीमेंट, यानी कि अच्छा साउंड, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, साउंड मतलब वॉल्यूम चेंज होता है, जो आपका सीमेंट का वॉल्यूम चेंज होगा, श्रिंक होगा तो होता है। तो साउंड मतलब अच्छा क्वालिटी हो गया और अनसाउंड मतलब अच्छा क्वालिटी नहीं हुआ। एक्सेस ऑफ सल्फर रहेगा तो क्या करेगा, सीमेंट का अनसाउंड बना देगा। तो इसलिए हमारा जो भी इंग्रेडिएंट है वो एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, डिफिशियंसी भी नहीं होना चाहिए। एक्सेस से भी कुछ प्रॉब्लम होता है और डिफिशियंसी से भी कुछ प्रॉब्लम होता है। अल्कली जो होता है आपको ये काउज करता है एफ्लोरेसेंस, तो इसमें अल्कली भी रहता है कुछ क्वांटिटी में, लेकिन इसका भी क्वांटिटी एक्सेस नहीं होना चाहिए। जैसे ब्रिक में भी देखते थे अल्कली के कारण क्या होता था, एफ्लोरेसेंस होता है, जब सीमेंट ऑक्साइड करेगा तो आपको उसमें व्हाइट पैच यानी कि व्हाइट व्हाइट पाउडर टाइप का जमा हो जाता है, तो जो उसको बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। जो इसमें मेन है आपका सिलिका है, जो क्या करता है आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये मेन आपको याद रखना है। जिप्सम किस लिए यूज करते हैं ये आपको याद करना है, सेटिंग टाइम इंक्रीज करने के लिए। ये दो चीज मेन याद रखेंगे, जो आयरन होता है ये कलर प्रोवाइड करता है, तो इतना से आपका काम चल जाएगा। एक बार आप इसको रीडिंग दे लेंगे पूरा को। एक होता है बॉक्स कंपाउंड, ये क्या होता है, जिसे आप, ये आपका सीमेंट बहुत फाइन फाइन मटेरियल होता है, ये ग्राइंडिंग पाउडर के फॉर्म होता है, तो जब इसमें वाटर आप ऐड करते हैं, जब वाटर ऐड करते हैं इसमें, तो ये क्या होता है, इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो इस सीमेंट में केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब हाइड्रेशन होता है, उसमें वाटर जैसे ही ऐड करेंगे वो अपना रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ कंपाउंड बनता है, तो जो मेन कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम बॉक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो इसमें जो मेन चार कंपाउंड बनता है, एक C3S बनता है, एक C2S बनता है, एक C3A बनता है, एक C3AF बनता है, ये चार कंपाउंड बनता है, जिसको या दूसरा नाम होता है इसी, ये नाम इसी फॉर्मेट में आपका अवेलेबल रहेगा ना, तो इसका नाम इसे इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, सॉरी ये C4 होता है, टेट्रा एल्यूमिनो फेरेट ये होता है। तो और इसका एक और भी नाम है जिसको बोलते हैं एलाइट, इसको बोलते हैं बेलाइट, इसको बोलते हैं सेलाइट और इसको बोलते हैं फेलाइट। ये नाम है ऐसी, कभी कभी आपका ये नाम दे देगा, तो ये नाम याद रखें, एलाइट बेलाइट सेलाइट फेलाइट, ठीक है। ABCF डी गायब हो गया, तो ABCF से याद रखेंगे एलाइट बेलाइट सेलाइट फेलाइट, C3S C2S C3A C4AF। ये जो कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनल जो रिएक्शन होने के बाद जो अंदर में सेटिंग होता है, तो
तो जो ये सेटिंग होने के बाद जो रिएक्शन होता है, हाइड्रेशन होता है सीमेंट का, तो उसमें कंपाउंड बनता है और ये सबका अपना अपना फंक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में। इससे क्वेश्चन पूछते रहता है, हमेशा पूछता है, किसी एग्जाम में इसे क्वेश्चन रहता है। तो इसका देखेंगे अच्छा से किसका क्या फंक्शन है। देखिए C3S, इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ये जो होता है आपका, ये विद इन वन वीक या इससे थोड़ा सा कुछ ज्यादा में ये बनने स्टार्ट हो जाता है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अर्ली स्ट्रेंथ टू द सीमेंट एंड इनिशियल सेटिंग टाइम। सीमेंट में जो आपका अर्ली स्ट्रेंथ, सबसे पहले स्ट्रेंथ जो कंट्रीब्यूट करता है वो C3S करता है। जो C2S जो होता है वो लास्ट में, इसका इफेक्ट लास्ट में आता है, यानी कि जब C3S का स्ट्रेंथ लगभग कंट्रीब्यूट करना बंद कर देता है तब इसका मेन स्ट्रेंथ देना स्टार्ट होता है, सालों साल वो चलते रहता है। तो इसको याद रखेंगे ये पॉइंट को कि अर्ली स्ट्रेंथ C3S के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। C2S क्या होता है? ये डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द लाइटर स्ट्रेंथ। ये बहुत धीरे धीरे बनता है और ये लाइटर स्ट्रेंथ जो होता है बाद में लास्ट में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है इसी के कारण होता है। ये याद रखेंगे। ये जनरली यूज होता है लो हीट सीमेंट में, मास कंक्रीटिंग में, यानी कि जब हमको लो हीट सीमेंट का फॉर्मेशन करना होता है कि सीमेंट जो हीट कम प्रोड्यूस करे। मास कंक्रीटिंग मतलब कि ह्यूज अमाउंट ऑफ जहाँ कंक्रीट लगता है, जैसे डैम में लगता है आपका, उसको बोलते हैं मास कंक्रीटिंग। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कंक्रीट यूज करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि हीट प्रोड्यूस कम हो। देखिए क्या होता है, जब सीमेंट रिएक्ट करता है तो इसमें एक हीट जनरेट होता है। क्या होगा अगर लार्ज क्वांटिटी में कंक्रीट है उसमें अंदर में ये बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, बाहर में हीट कम रहेगा, तो एक टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है जो इसमें क्रैक कर देता है इसको, तो इससे हमारा आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं लो हीट सीमेंट। अब देखिए जितना फाइन सीमेंट होगा, अगर सीमेंट का फाइननेस इंक्रीज करेगा तो आपका रेट ऑफ जो हाइड्रेशन होगा यानी कि रिएक्शन जल्दी फास्ट होगा, क्योंकि छोटा छोटा पार्टिकल होगा तो जल्दी वाटर से रिएक्ट करेगा। और जब इसका हाइड्रेशन इंक्रीज कर जाएगा और इसका जो हीट होगा, जितना रिएक्शन फास्ट होगा उतना आपका हीट इंक्रीज करेगा, ये आपका हाइड्रेशन है। तो इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, इससे आपका कुछ लॉजिक बनेगा। ये है आपका C3 है, इसको बोलते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये क्या होता है, ये विद इन 24 आवर बनता है। जैसे ही आप वाटर को ऐड करते हैं तो उसके 24 आवर के अंदर ये फॉर्मेशन इसका स्टार्ट हो जाता है। ये स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट नहीं करता है और ये क्या करता है, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट श्रिंकेज को कंट्रोल करता है। तो अब ये देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन आपको पूछता है कौन सबसे अर्ली स्टार्ट होता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ। जैसे वाटर करते हैं तो सबसे पहला जो रिएक्शन होता है इसी का होता है, ये सबसे फर्स्ट रिएक्ट करता है। तो ये पॉइंट को आप याद रखेंगे। ये C4F क्या है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फ्रेट, इसको बोलते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फ्रेट। ये क्या करता है, ये भी जो बनता है ये 24 आवर के अंदर बनता है। ये वेरी लो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी कंट्रोल करता है आपका सेटिंग टाइम को और ये कलर प्रोवाइड करता है सीमेंट को। तो ये आपका ये सब जो पॉइंट है आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, और आपका ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है और ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये जो था कुछ दो तीन पॉइंट है सब में, तो वो दो तीन पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ और फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। जो इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, हीट जो निकलता है वो सबसे ज्यादा C3A में निकलता है, उसके बाद C3S में निकलता है, उसके बाद C3F में, उसके बाद जो सबसे कम निकलता है वो C2S में निकलता है। तो आपका ये सबसे ज्यादा और सबसे कम आपको याद रखना है, अगर एक सीक्वेंस याद रख लेते हैं तो और अच्छा है। जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है यानी कि जो रिएक्शन होता है सीमेंट का, वो C4AF का ज्यादा होता है, लेकिन अर्ली जो रिएक्ट करता है वो C3A करता है। तो इसमें जो कौन सा फास्ट रेट से हाइड्रेट होता है, हाइड्रेशन होता है, तो इसमें होता है आपका C4AF यानी कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट जो है ये सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद C3A होता है और इसके बाद C3S होता है, उसके बाद C2S होता है। ये रेट इसका ज्यादा होता है लेकिन जो अर्ली रिएक्ट करता है वो C3A होता है, इसको ध्यान रखेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट किसके कारण होता है, C3A के कारण, ठीक है, इनिशियल सेटिंग इसी के कारण होता है। ये जो अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो आपका C3S करता है स्ट्रेंथ, ठीक है। C3A जनरेट मैक्सिमम हीट एंड C2S जनरेट मिनिमम हीट। ये सब क्वेश्चन आप याद रखेंगे, सारा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है इससे। C3A इज फर्स्ट सेट एंड हार्डन, आपको वही पॉइंट है, C3A जो सबसे पहले फर्स्ट सेट होता है और हार्डन करता है, देन कम C3S, उसके बाद C3S होता है। द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम, आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए मेनली जो रिस्पॉन्सिबल था वो C3A है, उसके बाद C4AF है। ये सब पॉइंट आप डायरेक्टली याद कर लेंगे।
Cement having less C3A will have higher ultimate strength and less heat of generation. ठीक है, C3A जो क्या करता है आपका हीट, इसका C3A में हीट ज्यादा इवॉल्व होता है. हीट ज्यादा इवॉल्व होगा तो आपका जो स्ट्रेंथ होगा वो रिड्यूस हो जाएगा. स्ट्रेंथ जो होगा वो आपका रिड्यूस होगा, तो आपका अच्छा सीमेंट के लिए हीट अप, तो इसलिए हाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ का सीमेंट बनाना होता है, तो हम C3A क्वांटिटी को रिड्यूस कर देते हैं. और ये जो आपका C3S है, C3S क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो उस क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं. और उसका हीट अप इवोल्यूशन क्या है, कम है C3S से, तो इसलिए हम इसका C3S को इंक्रीज कर देते हैं और इसका क्वांटिटी को डिक्रीज कर देते हैं. इस चीज को आप याद रखेंगे, द ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ C3S इन सीमेंट विल बेटर द सीमेंट. C3S क्वांटिटी जितना ज्यादा रहेगा इसका मतलब उतना ज्यादा अच्छा सीमेंट है. कुछ टाइप ऑफ सीमेंट है और उसका क्या यूज होता है, टाइप ऑफ सीमेंट बहुत होता है तो उसका नाम आपको सबको जानने की जरूरत नहीं है सबके बारे में, लेकिन कुछ कुछ टाइप जो होता है उसके बारे में हम देख लीजिए. एक होता है लो हीट सीमेंट. लो हीट सीमेंट क्या होता है, मास कंक्रीटिंग में यूज होता है, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है अंदर में, जो डैम होता है उसको अंदर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बाहर का टेम्परेचर लो रहता है, जिसके कारण इसमें आपका क्रैकिंग फिनोमेना होता है, तो इसलिए आपका स्ट्रक्चर फेल कर जाता है, इसलिए हम लो हीट सीमेंट यूज करते हैं. यानी कि C3A और C3S क्वांटिटी होगा दोनों लेस होगा और मोर क्वांटिटी होगा C2S. C2S होता है थोड़ा स्ट्रेंथ, ये सबसे कम हीट जनरेट करता है और स्ट्रेंथ तो थोड़ा लेट से देता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए, इसलिए इसमें मास कंक्रीटिंग में जैसे डैम हो गया तो इसमें आपका लो हीट सीमेंट यूज करते हैं. पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट क्या होता है, ये जो होता है इसमें जो ये सीमेंट यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन इन सी वाटर में अगर कंस्ट्रक्शन करना है, हाइड्रोलिक वर्क करना है, मास कंक्रीटिंग में भी इसको यूज करते हैं. पोजोलोना मतलब एश टाइप का वो एड करते हैं इसमें पोर्टलैंड सीमेंट में, हीट डिवोल्यूशन कम हो जाता है इसको एड करने से, इसलिए इसको भी यूज कर सकते हैं मास कंक्रीटिंग में. व्हाइट सीमेंट क्या होता है, व्हाइट सीमेंट व्हाइट इन कलर होता है और ये आपका डेकोरेशन वर्क के लिए यूज करते हैं, इंटीरियर या एक्सटीरियर डेकोरेटिव वर्क के लिए हम व्हाइट सीमेंट यूज करते हैं. सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट कहाँ यूज करते हैं, हाई प्रोपोर्शन ऑफ सल्फेट जहाँ पे रहता है, जिस सॉइल में सब सॉइल में अंदर में आपके ग्राउंड है तो इसके अंदर जो कोई भी स्ट्रक्चर है सॉइल के अंदर जो आपका सल्फेट कंटेंट ज्यादा है, तो उसमें हमको ये सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट एड करते हैं. एक होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये होता है आपका प्री फैब्रिकेटेड कंक्रीट स्ट्रक्चर करना है तो इसको यूज करते हैं. रैपिड हार्डनिंग मतलब कि हार्ड बहुत फास्ट हो जाता है, तो ये आपका रोड वर्क में भी यूज करते हैं, क्योंकि रोड में आपको क्या करना होता है, जो आपका व्हीकल है उसको जल्दी से पास करना होता है, ज्यादा देर तक आप रोड को ब्लॉक करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए आपका रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं आप, ताकि वो तुरंत सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसके बाद आप ट्रैफिक को लॉक कर देंगे जल्दी, इसलिए ये आपको यूज करते हैं. एक होता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, तो ये भी आपका जो हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता है वो वाटर स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, जैसे आपका डैम है, वाटर टैंक है, स्पिलवे होता है, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर होता है, तो वाटर से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो इसलिए नाम से भी आप याद रखेंगे, जो भी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर वाला पार्ट होगा तो उसमें जो सीमेंट यूज करेंगे जनरली हम करते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट. तो ये था कुछ, आप याद कर लेंगे तो इससे कुछ आपका क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगा. अब देखिए कुछ टेस्ट होता है सीमेंट का, फील्ड टेस्ट, कैसे पता करेंगे सीमेंट अच्छा है या नहीं है, तो ये कुछ फील्ड टेस्ट है जो आप सिंपली उसको सीमेंट को टच करके या ऑब्जर्व करके आप देख सकते हैं. इसलिए तो आप देखिए इसका जो कलर होना चाहिए ये ग्रे होना चाहिए, ग्रेइश टाइप का होना चाहिए, और ये जो सीमेंट को अगर हाथ पे लेके फिंगर से रब करते हैं तो ये आपको स्मूथ फील होना चाहिए. कोई सीमेंट के अगर बैग में हैंड इंसर्ट करते हैं, चाहे सीमेंट रखा हुआ कोई हीप है सीमेंट का, तो उसमें अगर अपना हैंड इंसर्ट करते हैं तो आपको कूल फील होना चाहिए, हॉट नहीं, गर्म नहीं होना चाहिए. तो अगर ठंडा फील हो रहा है तो मतलब ठीक है. अगर सीमेंट का कुछ क्वांटिटी लेते हैं और उसके बकेट ऑफ वाटर मतलब एक वाटर में उसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो सीमेंट जो है फ्लोट नहीं करना चाहिए, सिंक हो जाना चाहिए. अगर फ्लोट कर रहा है मतलब कि उस सीमेंट में कुछ मिलावट है, वो सीमेंट अच्छा क्वालिटी का नहीं है. सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम लम्प्स, सीमेंट में कोई लम्प्स नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ जो बंधा हुआ रहता है, जमा हुआ रहता है, वो सब चीज नहीं होना चाहिए, ये सबसे फ्री होना चाहिए, पाउडर फॉर्म में रहना चाहिए सीमेंट. हम देखें कुछ लेबोरेटरी टेस्ट क्या है, कौन कौन सा टेस्ट करते हैं. एक केमिकल टेस्ट करते हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये क्या करते हैं जनरली डिटरमाइन करते हैं केमिकल कंपोजिशन जो उसका है, कंस्टिट्यूएंट है उसका, रेशियो हम डिटरमाइन करते हैं कि सही रेशियो में है कि नहीं, मतलब रेशियो परसेंटेज ऑफ एलुमिना टू द आयरन शुड नॉट लेस देन 0.66 होना चाहिए, तो ये हम चेक करते हैं. दूसरा है फाइनेस्ट टेस्ट होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है.
फाइन स्टेज का होता है, मतलब ये हम करते हैं कि आपको प्रॉपर ग्राइंडिंग हुआ है कि नहीं सीमेंट का, तो वो चेक करने के लिए ये किस कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो आपका सीव टेस्ट करते हैं, तो इसमें होल होता है तो उसमें हम सीव करते हैं इसको लेके सीमेंट को, और उसका ग्रेड देखते हैं, उसका साइज देखते हैं कौन कौन सा साइज क्या है, जिसे हम चेक करते हैं कितना फाइन है। और दूसरा एक एयर परमिएबिलिटी टेस्ट भी करते हैं, तो ये नाम याद रखेंगे, एयर परमिएबिलिटी टेस्ट क्या करते हैं, फाइनेस चेक करते हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ हम जब चेक करते हैं उसका सीमेंट का, तो हम कुछ एक मॉल्ड तैयार करते हैं तो उसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं कितना है, तो ये स्ट्रेंथ होना चाहिए 3 डेज स्ट्रेंथ होना चाहिए आपका 11.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और 7 डे मतलब आफ्टर 7 डे जो स्ट्रेंथ होता है वो होना चाहिए 17.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये सारा जो टेस्ट कर रहे हैं हम जनरली हम सारा चीज और पीसी के लिए कर रहे हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है इसका 3 डे आफ्टर 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है, और 7 डे आफ्टर 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, इसे लेस नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का, ये आपको रिमेम्बर इसको रखना उतना जरूरत नहीं है, यह रेयरली कभी पूछता है स्ट्रेंथ, तो इसको कोई जरूरत नहीं याद रखना। एक होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए जो भी टेस्ट है उसमें इम्पोर्टेंट यही है कि वो जो टेस्ट है किस लिए होता है और कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। तो ये जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है तो इससे ये डिटरमाइन करते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग सीमेंट पेस्ट, हम कितना वाटर सीमेंट में डालेंगे ताकि वो अब जो हमारा सीमेंट का पेस्ट हो तैयार हो जाए, यानी कि जो अब उसका रिएक्शन है हाइड्रेशन है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। इसी टेस्ट पे जो परसेंटेज ऑफ वाटर निकलता है हम दूसरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं इसी के बेसिस पे। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये बिकार्ट ऑपरेटर्स के द्वारा किया जाता है, ये नाम याद रखना है बिकार्ट ऑपरेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सेटिंग टाइम होता है, हम सेटिंग टाइम सीमेंट का चेक करते हैं कि उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है और फाइनल सेटिंग, एक इनिशियल सेटिंग टाइम होता है यानी कि कितना देर बाद सीमेंट आपका सेट करना स्टार्ट हो जाएगा यानी कि हार्डनिंग स्टार्ट हो जाएगा। एक है फाइनल सेटिंग टाइम, मतलब वो पूरा सीमेंट हार्ड हो जाएगा, मतलब सीमेंट जो है बहुत जल्द भी सेट नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक भी सेट नहीं करना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया है, कुछ इसका लिमिट है, जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 10 आवर्स होता है, यानी कि 10 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ये किसके लिए है, वो पीसी के लिए। तो देखिए ये भी जो 10 आवर्स है ये जनरली 6 आवर्स होता है, 6 आवर्स होना चाहिए, लेकिन इसे मैक्सिमम 10 आवर्स है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन में आप देख लेंगे। देखिए जैसे इसमें कुछ और इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम याद रखेंगे, जैसे क्विक सेटिंग सीमेंट होता है इसका है, सिर्फ इनिशियल टाइम याद रखेंगे कितना है 5 मिनट होता है, ये एक एक्सेप्शन है, इसका बहुत कम होता है इसलिए इसको पूछते रहता है, और फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट होता है, तो ये बहुत फास्ट सेट हो जाता है सीमेंट, इसलिए इसको क्विक सेटिंग सीमेंट बोलते हैं। और इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर लो हीट सीमेंट क्या होता है, 60 मिनट, जो लो हीट सीमेंट होता है उसके लिए 60 मिनट होता है, और हाई एलुमिना सीमेंट होता है उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 3.5 आवर्स होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 5 आवर्स होता है। तो आप याद रखेंगे, आपको मेन याद क्या रखना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, थर्ड में आपका इसका इनिशियल इम्पोर्टेंट है, और बाकी सब आप याद नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा, बस एक थोड़ा सा आइडिया हो गया काफी है, तो ये तीनों आपको याद रखना ही रखना है। अब देखिए एक साउंडनेस टेस्ट होता है, मतलब साउंडनेस मतलब हम ये चेक करते हैं कि वो कितना उसका जो कैपेसिटी है उसको वॉल्यूम चेंज करने का वो चेक करते हैं, तो वो चेक करते हैं ताकि ये श्रिंक ना करे, और जो स्वेलिंग श्रिंकेज वाला प्रॉपर्टी होता है श्रिंक करने का वो लाइम के कारण होता है, जो अनकम्बाइंड लाइम होता है जो फ्री लाइम होता है उसके कारण होता है, तो यही इसमें डिटेक्ट करने के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और ये जो होता है ये मैग्नीशिया के कारण भी होता है, तो इसका सिर्फ आपको याद क्या रखना है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इसको डिटरमाइन करने में, तो दो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, एक ली चैटेलियर्स मेथड होता है, एक ऑटोक्लेव मेथड होता है। तो ये जो होता है आपका ये किसके लिए यूज करते हैं, ये ओनली डिटेक्ट्स फ्री लाइम, ये सिर्फ फ्री लाइम रहता है अगर, तो उसके लिए आप ये मेथड यूज करते हैं, जो ऑटोक्लेव मेथड होता है उसमें आप दोनों डिटेक्ट करता है, तो ये सारे बात याद रखेंगे इसमें जो भी है। अब ये कुछ फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, जैसे कि सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है 3.14, डेंसिटी क्या होता है 1500, एक्चुअल में 1440 होता है, तो ऑप्शन के अनुसार आप देख लेंगे ये आपका एक्यूरेट है। 1 बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो 50 केजी होता है, जो नॉर्मल आप मार्केट में देखते हैं बैग ऑफ सीमेंट वो 50 केजी का होता है,
अब वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट होता है जो आपका इतना होता है, इसको याद रखेंगे, ये लगभग 34.7 लीटर में हो जाता है, यानी कि उसको 35 लीटर बोल सकते हैं। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, अब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकल भी जाएगा, आपका डेंसिटी पता है, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, ठीक है, आपका मास पता है, तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होता है वो आपका 25% से 35% होता है। जो कंसिस्टेंसी टेस्ट किए हैं तो वही है नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो ये सारा जो टेस्ट हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, सब ओपीसी के लिए, फिर बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन जब तक सफाई नहीं रहता है तो वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो ओपीसी ही रहेगा, नाम लिखा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप उसको ओपीसी ही समझना। स्पेसिफिक सरफेस जो होता है आपका सीमेंट का, वह क्या होना चाहिए, वो 25-50 से कम नहीं होना चाहिए सीएम स्क्वायर पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम जो सीमेंट लेते हैं यानी कि इतना सीएम स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करना चाहिए, मतलब स्प्रेड हो जाना चाहिए। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट टू रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम, पहले भी बता चुके हैं, यानी कि दैट इज इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, प्रोलॉन्ग कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपका इम्पोर्टेंट है, सभी पॉइंट आपको याद रखना है। वो जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट, तो ये वही पॉइंट हो गया है। द परसेंटेज ऑफ वाटर यूज फॉर डिटरमाइनेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, जब इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट निकालते हैं तो उस टाइम में उस सीमेंट में कितना वाटर ऐड करेंगे, तो उसी के बारे में वो करते हैं। 85% ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, यानी कि जो कंसिस्टेंसी टेस्ट किया है उसमें जो वाटर का क्वांटिटी आया है उसका 85%। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है, ये भी याद रखेंगे। जो ओपीसी सीमेंट है उसका जनरली 3 ग्रेड होता है, ठीक है, ग्रेड 33, 43 एंड 53। इसका क्या मतलब होता है, जो उसका ओपीसी का जो स्ट्रेंथ है वो 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, उसी तरफ इसका जो 43 ग्रेड है उसका 43 न्यूटन पर एमएम उसका जो स्ट्रेंथ है उतना होता है, इसका 53 का मतलब 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर स्ट्रेंथ है, उसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब देखिए एक ये पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू लाइम। ये सब इतना जो भी पॉइंट बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इसे सोल्व हो जाएगा। अब देखिए जो पढ़े हैं उस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, 7 क्वेश्चन है टोटल, तो इस 7 क्वेश्चन का आप आंसर देंगे इसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देखते हैं आप कितना सही करते हैं इस क्वेश्चन का। इसमें आंसर नहीं दिया है तो 1-2 दिन बाद हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आंसर को लिख देंगे, तो आप चेक कर सकते हैं वहां से। तो इस लेक्चर में इतना ही है, अब 2 या 3 बार इस लेक्चर को देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, तो 2-3 बार देख लीजिएगा इस लेक्चर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और टॉपिक जो है कंक्रीट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे अगर टाइम अलाउ करेगा तो। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।